ममता बनर्जी को कोई अधिकार नहीं है सीबीआई के ऑफिस में घुसकर, जो कार्रवाई वहां हो रही है, किसी को अरेस्ट किया गया है, तो उस काम में बाधा पहुंचाने का। इसको लेके आईपीसी में 186 में ऑफेंस है, उनके खिलाफ मुकदमा भी रजिस्टर होना चाहिए और मुझे लगता है कि आगे हाईकोर्ट करवाएगी ही करवाएगी। तो सीबीआई कोर्ट के ऑर्डर के अंतर्गत काम कर रही है, तो ममता बनर्जी को कोई अधिकार नहीं है उसके बीच में जाकर अपनी सियासती रोटी सेंकना। ममता बनर्जी तो सब उनको जानते हैं, उनका एक ही काम है केंद्र के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोलो और लोगों का ध्यान भटकाओ और अपनी मनमानी करो और अपनी छिपी हुई घटिया गंदी राजनीति करो। ममता बनर्जी के लिए भी अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। जिस तरीके से ममता बनर्जी सीबीआई के ऑफिस के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन कर रही थी और उन्हीं के जो कार्यकर्ता थे जो सीआरपीएफ के ऊपर पत्थर बरसा रहे थे, अब इन सारी चीजों को लेकर एज अ पार्टी जवाब मांगा है ममता बनर्जी से हाईकोर्ट ने। हाँ, ये तो होना ही था, ये दिखाई दे रहा था और ये होना भी चाहिए और आगे भी सख्ताई से होना चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी उठी थी। ममता बनर्जी को कोई अधिकार नहीं है सीबीआई के ऑफिस में घुसकर, जो कार्रवाई वहाँ हो रही है, किसी को अरेस्ट किया गया है, तो उस काम में बाधा पहुंचाने का। इसको लेके आईपीसी में 186 में ऑफेंस है, उनके खिलाफ मुकदमा भी रजिस्टर होना चाहिए और मुझे लगता है कि आगे हाईकोर्ट करवाएगी ही करवाएगी। ये कंटेम्प्ट का भी विषय है क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पहले बोला था कि सीबीआई इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नारदा केस में करेगी और आगे की कार्रवाई करेगी। तो सीबीआई कोर्ट के ऑर्डर के अंतर्गत काम कर रही है, तो ममता बनर्जी को कोई अधिकार नहीं है उसके बीच में जाकर अपनी सियासती रोटी सेंकना की कोशिश करना और हमारी विधि व्यवस्था को बिगाड़ना, डिस्टर्ब करना। ये गुंडागर्दी नहीं है, भीड़ तंत्र से नहीं चलता। इलेक्शन रैली आप कीजिए, असेंबली में जो करना है कीजिए, लेकिन जहां कानून की कार्रवाई हो रही है वहां आपको कोई अधिकार नहीं है कानून अपने हाथ में लेने का या जो ऑफिसर है उनको धमकाने का या पत्थर फेंकने का या उनको किसी तरह से डर और भय पैदा करने का, क्योंकि भारत में संविधान सबसे ऊपर है और संविधान में जो भी प्रक्रिया लिखी गई है उसका पालन करना चाहिए। ममता बनर्जी कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर है या जो भी हो वो, लेकिन वो संविधान से ऊपर जाने का दावा नहीं कर सकती हैं और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हर लोगों को, सभी नागरिकों को भी इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। अगर ऐसा होने लगा तो हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो पूरी तरह से ढह जाएगी। ममता बनर्जी ने सीबीआई के अधिकारियों को भी धमकाने का प्रयास किया था इस टाइम पर। हाँ, सीबीआई के अधिकारियों को धमकाया था जब उनके ऑफिस में घुस गई हैं जी चीफ मिनिस्टर, अपने साथ 2,000-3,000 लोगों की भीड़ लेकर चली गई, तो वो उनको वहाँ रसगुल्ले खिलाने तो जाएंगे नहीं, उनको धमकाएंगी और कोशिश करेंगी कि जिनको सीबीआई ने पकड़ा है उनको छुड़ा कर वो ले जाए, तो ये ऑफेंस बनता है। सरकारी का पुलिस की कार्रवाई में, सरकारी कार्रवाई में बाधा डालना एक ऑफेंस बनता है और सीधा सीधा ऑफेंस बनता है। इसके अलावा भी जो फैक्ट्स में जो चीज़ें फैक्ट्स आई हैं, जो रिकॉर्ड पे सीबीआई लिखती है, उसके अंतर्गत भी बहुत सारी कार्रवाई ममता बनर्जी के ऊपर होनी चाहिए और ऐसा नहीं किया गया तो ये बहुत ही गलत प्रेसिडेंस है। और कोई भी मुख्यमंत्री, कोई MLA, कोई भी कुछ कर सकता है और पुलिस को, सीबीआई को कभी भी कहीं भी जाकर धमका सकता है। और जो हम देखते हैं कि पुरुलिया में या कहीं भी बिहार पुलिस कई लोगों ने मार के इंस्पेक्टर की जान ले ली और उसको, जो जिसको पकड़ने गए थे उसको भगा दिया, तो ये ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देगी। ये ममता बनर्जी जो भी कर रही है हमारे गणतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक और बहुत ही खराब कर रही है। ममता बनर्जी एक तरफ सीबीआई को डराने धमकाने का प्रयास करती हैं, दूसरी तरफ वो संविधानों के जो नियम हैं उनका उल्लंघन करती हैं और इनको बचाने के लिए जिस तरीके से कांग्रेस के एक नेता हैं और बड़े वकील भी हैं अभिषेक मनु सिंह भी, वो ये कहते हैं कि ममता बनर्जी जो चीज़ें कर रही थी सीबीआई के दफ्तर के बाहर वो गांधीवाद तरीके से प्रोटेस्ट कर रही थी। देखिए, वो अदालत में तो वो कुछ भी बोल सकते हैं और कांग्रेस का चरित्र तो सबको पता है कि हमेशा दो मुहां रहे हैं। कांग्रेस में जो भी लोग रहे हैं वो अपने आप को गरीब दिखाते हैं, स्वतंत्रता सेनानी पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं, और सच्चाई ये है कि वो अंदर खाने में क्या करते हैं सारे भारत को पता लग गया है, सारे विश्व को पता लग गया है। इसलिए ऐसी बातों को हम चर्चा करके किसी को बिना वजह महत्वपूर्ण ना बनाएं। लेकिन उन्होंने जो लीगल आर्गूमेंट कोर्ट में किया वो अपने क्लाइंट के डिफेंस में वो कर सकते हैं, लेकिन जो बातें गले से नीचे नहीं उतर रही आज के दौर में, जब न्यू मीडिया है, सोशल मीडिया है, एक एक पल की खबर सबको दिखाई दे रही है, वीडियो क्लिप्स आ रहे हैं, तो ऐसे में ऐसी तर्कसंगत बेसिर पैर की सफ़ेद झूठ
बोलना ये तो कांग्रेस से संबंधित लोग ही कर सकते हैं और ये सब हमको आपको सबको दिखाई दे रहा है। सर, एक तरफ बात ये भी है कि जब कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से बार बार ममता बनर्जी को चेतावनी दी जा रही है, बार बार कोई ना कोई एक्शन लिया जा रहा है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट, वो कोलकाता हाई कोर्ट हो, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी के जो नेता हैं, कल्याण बनर्जी ऐसे जो लोग हैं, वो राज्यपाल को इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और ये तक कह देते हैं, अपनी भाषा का भी ध्यान नहीं रखते और तमाम चीज़ें हैं जो वो राज्यपाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये तक कहते हैं कि संविधान का कसाई है राज्यपाल, इस तरीके की चीज़ें क्यों? देखिए, वो उनकी समझ है और वो उनकी पार्टी का चरित्र है। इलेक्शन जीत जाना या वोट ले लेना और इस तरह की चीज़ें करना, ये असेंबली के स्तर तक अलाउड है, लेकिन आप एक संवैधानिक पोस्ट पर राज्यपाल को या राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा का आप प्रयोग करते हैं तो ये आपका चरित्र ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता। उन बातों के बोलने से हो सकता है उनके आसपास के दो चार समर्थक खुश हो गए हों, तालियां बजा दी हों, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है और ये कहीं ना कहीं हमारे जो संवैधानिक व्यवस्था है उस पर उंगली उठा रहा है और ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड जानी चाहिए और ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। हमें तो उनके ज्ञान पर तरस आता है कि वो लोगों को वोट लेने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए, मुट्ठी भर लोगों को खुश करने के लिए किस नीचे स्तर तक गिर सकते हैं, ये इस पे कम कहा जाए वही ज़्यादा अच्छा है। ममता बनर्जी जिस तरीके से जब से उनके चार नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, सुब्रत मुखर्जी हो या फिर फिराद हकीम हो, नारदा स्टिंग ऑपरेशन जो कि 2016 से पहले की बात है और जब इन नेताओं के सामने नाम आए हैं और गिरफ्तारी की बात आती है, तो ममता बनर्जी ये क्यों कहती हैं कि ये बदले की कार्रवाई कर रही है केंद्र सरकार? बदले की कोई कार्रवाई नहीं है, केंद्र सरकार नहीं कर रही है। इसमें देखा जाए कि स्टिंग आया था, सबने देखा है, सब उसको देख चुके हैं, वीडियो क्लिप है, ऑडियो क्लिप है, सब दिखाई दे रहा है। CFSL लैब में जाकर चेक हो गया है। उसके बाद PIL जब फाइल हुई तो कलकत्ता हाईकोर्ट के डायरेक्शन पे ये कार्रवाई हो रही है। इसमें केंद्र सरकार अगर चाहे भी कि हम कार्रवाई नहीं करें तो ऐसा नहीं होगा। कार्रवाई तो चूँकि न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया है और हाईकोर्ट या कोई भी कोर्ट हमारी वॉचडॉग है, हमारा संवैधानिक व्यवस्था गिर न जाए, लड़खड़ा न जाए, टूट न जाए, कोई उसको तोड़ न दे, कोई उसके गैर इलीगल काम करके भाग न जाए, बच न जाए, उसका वॉचडॉग है हमारी कोर्ट। और अगर कोर्ट ने ऐसे डायरेक्शन दिया है तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम लेना बेकार है। हाँ, ये बात अलग है कि CBI सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है और एजेंसी है संवैधानिक रूप से, अगर वो अधिकृत है तो वो कार्रवाई तो करेगी। ममता बनर्जी तो सब उनको जानते हैं, उनका एक ही काम है केंद्र के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोलो और लोगों का ध्यान भटकाओ और अपनी मनमानी करो और अपनी छिपी हुई घटिया गंदी राजनीतिक करो, ये बहुत ही दुखद है हमारे लिए। ममता बनर्जी जिस तरीके की चीज़ें करती हुई नज़र आ रही हैं, यहाँ पर एक बात जैसे कि अभी आपने कहा कि CBI को लेकर भी आपने जिक्र किया और CBI की तरफ से अब ये भी कहा गया है कि जो मामला है नारदा स्टिंग ऑपरेशन, इसको कहीं और शिफ्ट किया जाए, मतलब कहीं ना कहीं CBI को भी ये शक है कि ममता बनर्जी, चाहे कोर्ट हो, पुलिस प्रशासन पे तो पहले से ही चलती है उनकी, CBI को जिस तरीके से धमकी दी गई है तो वो कोर्ट को भी अपने अंडर लेने की कोशिश करेंगी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। कोई भी फेयर ट्रायल दूसरे स्टेट में कर लीजिए, क्योंकि वहाँ की पुलिस, वहाँ के सारे संस्थान एक चीफ मिनिस्टर के अंतर्गत आते हैं, गवाह उसी राज्य के होंगे, गवाह वहीं के होंगे, तो गवाहों को धमकाया जा सकता है, प्रलोभन दिया जा सकता है, इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, भगाया जा सकता है, छुपाया जा सकता है, तो फेयर ट्रायल कैसे हुई? फेयर ट्रायल नहीं होगी, इसलिए ये दूसरे स्टेट में ट्रायल जानी चाहिए। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है और होते रहना चाहिए। और इसमें एक बात जो दिखाई दे रही है सबको कि कहीं ना कहीं ममता जी को डर लग रहा है कि जब CBI पोल खोलेगी और सारे तथ्यों और सबूतों को सामने लेकर आएगी तो उसकी आंच उनके घर तक ज़रूर पहुंचेगी, इसलिए ममता जी ये सारा ड्रामा कर रही हैं, सारा डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हैं और जो कानूनी प्रक्रिया है उससे ऊपर उठकर उसको सबवर्ट करने की वो कोशिश कर रही हैं। सर, यहाँ पर ये भी है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से हर चीज़ का उल्लंघन कर रही हैं वेस्ट बंगाल में, अब कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से भी यह कह दिया गया है कि एज अ पार्टी उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे और इससे पहले CBI की तरफ से भी FIR दर्ज की गई है, तो ये जो प्रोसीजर है ये कितना और आगे जा सकता है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो ममता बनर्जी को फेस करनी पड़ेगी? देखिए, ममता बनर्जी को तो बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फेस करना पड़ेगा, लेकिन कहाँ तक ये जाएगी ये बात कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ममता जी खुद ही नहीं रुक रही। वो कल जाकर CBI के दफ्तर में आग लगा दें, CBI के कागज़ छीन लें
ऑफिसर्स को धमका दें तो एक नया प्रकरण हो जाएगा, नया प्रकरण होगा तो उसकी जांच कार्रवाई अलग से चलेगी। तो ये तो बहुत ही गलत है। एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हाईकोर्ट उसको मॉनिटर कर रहा है, तो इनको बोलना चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी इनको करने दो। ये जांच एजेंसी है, सेंट्रल जांच एजेंसी है, उसके अलावा कुछ भी वो जांच कर ले, सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पर भी हम मान लेते हैं कि जांच कर ले, लेकिन जब वो जाएगा न्यायालय में तो आपको अपने सबूत लाने का या जो सबूत झूठे गढ़े गए हैं उसको डिमोलिश करने का, उसको तोड़ने का, उसको झूठा साबित करने का मौका आपको पूरा मिलेगा, और वो आपको लेकर और ये आपको सच सामने लाना चाहिए। ममता जी क्यों कर रही हैं ये सबको दिखाई दे रहा है, उनकी पूरी न पूरी इन्वॉल्वमेंट इसमें है और वो उसको डाइवर्ट करने के लिए जानबूझ के ऐसा ये खेल कर रही हैं। एक तरफ जो नारदा स्ट्रिंग ऑपरेशन में इनके नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, उन लोगों को बचाने की कोशिश करती हैं, इनके ऊपर जो FIR हुई है उन सारी चीज़ों से बचने की कोशिश करती हैं, और जो हिंसा वेस्ट बंगाल में 2 मई के बाद हुई उससे भी ये नकार देती हैं, कहती हैं ऐसी चीज़ हुई नहीं, पर वो चीज़ें आज कोर्टों को भी दिखाई दे रही हैं जिन चीज़ों को लेकर ममता बनर्जी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी हैं। और मीडिया भी सर, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने भी इन सारी चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया। मेन स्ट्रीम मीडिया तो एक तरह से सिख हो गया है, सब जानते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया अब कहाँ बचा, कुछ थोड़े बहुत चैनल हैं जिनमें झूठ की दुकानदारी चलती रहती है, उनको कोई देखता नहीं। धीरे धीरे जो वैसे पुराने पत्रकार थे जो अपने आप को मठाधीश मानते थे, जिनको कि हम लुटियन कबाल कहते हैं, वो उन सबको अब इनइफेक्टिव हो गया, जनता ने उन सबको नकार दिया है, और न्यू मीडिया और सोशल मीडिया ने बहुत स्ट्रांगली और अनफेयर एकदम अनबायस्ड रूप में फेयरली सारी चीज़ें सबको दिखाई दे रही है, कहाँ क्या घटना हो रही है उसको फेसबुक लाइव से लोग वहाँ के रेसिडेंट दिखा रहे हैं, तो उसको आप कैसे झुठला सकते हैं। अगर वायलेंस हुई है तो हुई है, आग लगाई गई है, आगजनी हुई है, पुलिस की गाड़ी को तोड़ा गया है, MP पे अटैक किया गया है, तो वो दिखाई दे रहा है सबको, उसको मीडिया ना कवर करे लेकिन सारी दुनिया को पता है, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और इसका खामियाजा भी ममता बनर्जी को भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हमारा जो प्रजातंत्र है वो बहुत मजबूत है, हमारे वोटर बहुत समझदार हैं, और वो कहीं ना कहीं इसका बदला इनसे लेंगे, और जब भी ऐसा किसी ने किया है तो उनको क्या उनका हश्र हुआ है ये सब जानते हैं। इसलिए हमको अपने प्रजातंत्र को बचाने के लिए ये सारी कार्रवाई, जो भी कानूनी कार्रवाई है, इसको सख्ताई से करनी चाहिए। धन्यवाद सर।